विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सतलुज यमुना नदी जल बंटवारे पर हरियाणा और पंजाब में नहीं बनी बात। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले हरियाणा को नहीं देंगे पानी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है हरियाणा सरकार। चुनावी बॉन्ड से चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब, कहा बॉन्ड से चंदा देने में पूरी पारदर्शिता, सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को दे सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य की सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी। 12 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी और मतगणना का काम 8 दिसंबर को होगा। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग मामले में हिंदू पक्ष को लगा झटका, कार्बन डेंटिंग की मांग वाली याचिका वाराणसी कोर्ट ने की खारिज, कार्बन डेंटिंग से किसी भी चीज की उम्र की ली जाती है जानकारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रियंका की हुंकार, सोलन ठोडो मैदान में उमड़ा जनसैलाब, मंच पर एक साथ दिखे प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता। व्हाट्सएप और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिली राहत, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की जांच पर कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी हुई और मजबूत, मनीष तिवारी और अशोक गहलोत ने भी किया खड़गे के समर्थन का ऐलान। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस एनसीपी के बाद अब लेफ्ट का भी मिला साथ, बैकफुट पर आया शिंदे गुट। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल, 40 दिन बाहर रहेगा डेरा प्रमुख, 3 नवंबर को है मतदान। एप्पल की चीन को झटका देने की तैयारी, भारत में शिफ्ट होगा आईफोन प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा। बीसीसीआई का बड़ा खुलासा, 2027 तक पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हर साल होंगे मुकाबले। कटरीना कैफ ने बड़े ही धूमधाम से मनाया अपना पहला करवा चौथ, सोशल मीडिया पर विक्की कौशल के साथ अपनी तस्वीरें की साझा। आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर हुई रिलीज, फिल्म को मिला दर्शकों का प्यार।